आप सभी विश्वासियों का आज के आराधना में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के आराधना को परमेश्वर के पवित्र वचन से हम आरंभ करें। भजन संहिता 33 उसके 20 से 22 वचन में प्रभु हम सबों को ऐसा आह्वान करता है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसा ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। आइए आज के आराधना को आरंभ करते हुए आराधना के प्रथम गीत के रूप में हम गाएंगे गीत नंबर साक्षी वाणी से 108। हे ईश्वर निर्मल मन जन्मा, मन बिगड़ा हुआ मेरा, क्लेश दुख से भरा सर्वदा, अपराध चूक बहु तेरा, पाप मैंने नित नित किया है, हे ईश्वर अति दयामय, कर मुझे शुद्ध और उजला। Thank you.
मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम शांति का वचन सुने। प्रभु हम सबों को अपने वचन के द्वारा शांति देता है। रोमी 3:23-24 में हमें ऐसा शांति का वचन दिया, क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीस्त यीशु से है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुना नवबाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। Thank you.
आज के निमित्त जो वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय पहले पद से लेकर के आगे 14 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय पद पहले पद से लेकर के 14 पद तक। परमेश्वर का पवित्र वचन हम यहाँ ऐसा पाते हैं, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ तक, आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग एक होकर के अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यो कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों के विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखी जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 345,
345, हर एक खोए और दबे हुए प्राण बुलाता है तुझे देने को त्राण, बढ़ाने चाहता शुद्ध करने चाहता, ग्रहण उससे कर कुछ भी देर ना कर, प्रेम से बुलाता धीरज से देखता, ईसु चरवाहा बुलाता है, प्रेम से बुलाता धीरज से देखता, प्रेम से बुलाता आ मेरे पास। खड़ी होगी। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति अधिकाई से मिले। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन में प्रभु परमेश्वर, जबकि हम तेरे निकट आते हैं, तेरे आप उपासना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं और इस वक्त तेरे वचन पर हम ध्यान करना चाहते हैं, उस पर मनन चिंतन करना चाहते हैं। तू आप ही हम सबों की सहायता कर, अपनी पवित्र आत्मा को हमें दे। पवित्र आत्मा तू आप ही वचन का प्रकाशन हमें दे। हर एक सुनने वाले तेरे वचन को सुन सके, समझ सके और उसे ग्रहण कर सके और इससे ही एक एक के लिए वचन आशीष का कारण ठहरने पाए। हमारे सारी दुर्बलताओं को दूर कर दे। मसीह के नाम में हमारी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश का वचन ठहराया गया है, जो हमें मिलता है तिमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का पहला अध्याय पद 12 से लेकर आगे 17वें पद तक। पहला तिमुथियुस 1:12-17।
मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। इसमें मेरे सभी प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम निश्चय ही 33 काल में हम लोग जी रहे हैं, और जबकि हम प्रिय एक परमेश्वर की उपासना आराधना करते हैं और उसके वचन की अगुवाई हम लेते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन जो कि एक एक से बातें करता है। और हम लोग बाइबल के सार को अगर हम लोग ध्यान करें तो वह मानव जाति के उद्धार की बात करता है, अर्थात हमारे और आपके उद्धार के विषय बताता है। और हम लोग निश्चय ही इस बाइबल के वचन से उद्धार की बातों को देख सकते हैं। और आज के वचन में प्रियो, जो उद्धार की सार है अर्थात हमारे पापों की क्षमा, उसके बारे हम स्पष्ट वर्णन हम देखते हैं। जबकि पौलुस प्रेरित ये गवाही देता है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। वह कहता है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जो 15 पद में हम लोग देखते हैं। प्रियो, इससे ही बाइबल हमें उद्धार के विषय और उद्धारकर्ता के विषय, दोनों के विषय हमें स्पष्ट रूप से बताती है। और हम लोग अगर देखें तो उद्धार विशेष रूप से या प्राथमिक रूप से किन बातों में है या किस बात में है, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय अगर हम लोग सोचे, जहाँ कि कहा गया कि इसका नाम यीशु रखना, उसके जन्म से पहले कहा गया इसका नाम यीशु रखना क्योंकि यह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, तो निश्चय ही प्रियो यह उद्धार जो है मनुष्य का पापों की क्षमा के रूप में है, पापों से उद्धार के रूप में है। और निश्चय ही मनुष्य का जो उद्धार है वो पापों की क्षमा के द्वारा से उसे प्राप्त हो जाता है। जहां हम लोग देखते हैं प्रियो, परमेश्वर
मनुष्य के उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय और विश्वास योग्य दिखलाई पड़ता है। और हम लोग अगर बाइबल की आरंभिक पुस्तक उत्पत्ति से ही हम लोग ध्यान से देखें, जहां की मनुष्य पाप में गिरा, उसका पतन हुआ, वहीं पर प्रभु ने मनुष्य के उद्धार के विषय बातें की। अर्थात अगर हम लोग देखें प्रियो, तो उत्पत्ति 3 में जहां मनुष्य का पतन होता है, पाप में गिरता है, उत्पत्ति 3 अध्याय में जिसका जिक्र है, वहीं पर अगर हम लोग 15वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उद्धारकर्ता के आगमन की बात कहता है कि वह स्त्री से उत्पन्न होगा, स्त्री से उत्पन्न होकर इस जगत में आएगा। और उसी तरह से अगर हम लोग देखें उसके 21वें पद में, तो वहां पर उसके बलिदान के विषय एक झलक हमें मिलती है, जहां हम देखते हैं कि एक निर्दोष पशु का वध किया गया, जिसके चमड़े से आदम और हवा के नंगे बदन को ढापा गया। तो यह एक स्पष्ट संकेत यहां पर है कि एक दिन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमारे पाप के नंगे बदन को ढांपेगा, वो अपनी धार्मिकता हमें प्रदान करेगा। और यही हमारी दृढ़ आशा है और हमारा इसी बात पर हमारा विश्वास आधारित है। और निश्चय आज के वचन में जैसा है पौलुस प्रेरित, जो कि एक कट्टर मसीह विरोधी के रूप में हम उसको देखते हैं, जबकि वह आरंभिक कलीसिया में, जब कि चेले प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वह बड़े निर्दयता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करता है और कईयों को वह घर से घसीट कर निकाल कर बंदगिरी में डालता है और कईयों को घात भी कर देता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब इसी काम के लिए वह यरूशलेम से वह दमिश्क को जा रहा था, वहां के मसीहों को दंडित करने के लिए, क्योंकि वह सोचता था कि ये मसीही लोग हमारे यहूदी धर्म को समाप्त कर रहे हैं, ये हमारे यहूदी विश्वास को बिगाड़ रहे हैं, और वह जी जान से मसीहों के विरुद्ध कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब वह इसी काम से, वह उनको सताने के लिए, उनको बंदगिरी में डालने के लिए, उनका घात करने के लिए, जब वह दमिश्क के रास्ते पर ही था, एक बड़ी अलौकिक घटना घटती है, एक बड़ा तेज प्रकाश चमकता है और वह गिर पड़ता है और प्रभु यीशु मसीह उसे पुकार कर कहता है, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस, या उस समय जो साउल के रूप में जाना गया था, साउल कहता है, हे प्रभु, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं। वह कहता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ अपने आप को जोड़ के देखता है, और जैसा उसने कहा, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है।
और इस तरह से प्रिय वह कहता है, तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। अर्थात वह प्रभु उसे चिताता है कि तू जो काम कर रहा है तू पहने पर लात मार रहा है। पहना अर्थात हल का नुकीला भाग, जो किसान हल चलाता है उसका नुकीला भाग में तू लात मार रहा है और यह तेरे ही लिए नुकसानदायक है। और निश्चय प्रियो हम जैसे वर्णन पाते हैं कि वह उस तेज प्रकाश के रोशनी में वो गिर पड़ता है और वह कुछ समय के लिए अंधा भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, एक नया व्यक्ति बन जाता है जिसे पौलुस के नाम से जाना जाता है। और इससे उसने जान लिया कि प्रभु यीशु ही इसराइल का मसीहा है जिसकी वो आशा देखते हैं। और उस बात में वो दृढ़ होकर के वह अपने जीवन को पूरी तरह से सुसमाचार के लिए समर्पित कर देता है। और वही यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे विश्वासियों के जाना। और जैसा वह उसके महिमा करते उसके गुणों को प्रकट करता है कि वह परमेश्वर जो कि सनातन का राजा है, 17 पद में जो हम लोग देखते हैं कि वह सनातन का राजा है अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुग होती रहे। तो वह उस परमेश्वर की महानता को देख पाता है और वह कहता है कि वह जो सनातन का परमेश्वर है वह जानता था मुझे और मुझे उसने विश्वास योग्य जाना और उसने मुझे चुना, उसने मुझ पर अनुग्रह किया जबकि मैं तो क्या था, सताने वाला था, अंधेर करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसने जाना कि मैं ये काम अविश्वास की दशा में करता हूं, अनजाने की दशा में करता हूं, अनजान की दशा में करता हूं, और इसलिए उसने मुझे मुझ पर अनुग्रह किया। और वह अपने आप को सबसे बड़ा पापी के रूप में कहता है कि जब उसने मुझ जैसे बड़े पापी को क्षमा किया है और मुझ पर उसने अपनी सहनशीलता प्रकट की है तो वह सब लोगों पर करेगा। निश्चय प्रियो परमेश्वर का उद्धार सारे लोगों के लिए है, सारे मानव जाति के लिए है। और इस बात को वह इस वचन प्रकट कर देता है, यह उद्धार जो है वो सब लोगों के लिए है, सारी जाति के लिए है। इसलिए जो आज्ञा प्रभु ने दी कि सब जाति के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, सारे देश के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। निश्चय ही प्रियो आज हम लोग इस बात को देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर जो कि उद्धारकर्ता के विषय उत्पत्ति के पुस्तक से ही बात करता है और उस उद्धार को वह पूरे पुराने नियम में ओल्ड टेस्टामेंट में वह बताता है कि वह उद्धार किस प्रकार से होगा, वह उद्धार करता किस प्रकार से दुनिया में आएगा। परमेश्वर ने इस बात को पूरे पुराने नियम में प्रकट किया है। भजन संहिता में हम कह सकते हैं, आगे चलकर नबियों के पुस्तक में इस बात को प्रकट किया है कि वह आएगा, वह जगत का उद्धार करने के लिए आएगा और उसका आना निश्चित है। उसे कहता है कि
उसका प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, उसका प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, अर्थात वह अवश्य ही आएगा, मानव जाति के उद्धार के लिए अवश्य आएगा। और हम लोग जानते हैं कि वह समय के पूरा होने पर इस जगत में आया और कुंवारी से पैदा हुआ, जैसा कि उसके विषय लिखा हुआ था। प्रियो, सारी बातें अक्षरशः उसके जीवन में पूरी हुई और उसने स्वयं अपने मुंह से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा कि मैं पापियों को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया हूं। उसने स्पष्ट रूप से इस वचन को कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि वह पापियों को बचाने के लिए जगत में आया है और ढूंढने के लिए आया है, उनका नाश करने के लिए नहीं आया है लेकिन उनको बचाने के लिए आया है। और हम लोग देखते हैं प्रियो, किस तरह प्रभु का उद्धार पापियों के जीवन में प्रकट होता है। क्रूस का डाकू बचाया जाता है, वह पापी स्त्री बचाई जाती है, जक्के चुंगी लेने वाला बचाया जाता है, अर्थात जो उस पर विश्वास करता है चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना रहा हो, वह भविष्य के उद्धार का भागी बन जाता है। और इसलिए निश्चित रूप से हम लोग इस बात को थ्रू आउट द बाइबल हम लोग देखते हैं प्रियो, ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर नए न्यू टेस्टामेंट तक हम लोग इस बात को देखते हैं किस तरह प्रभु का उद्धार इस जगत में प्रकट होता है और वह उद्धार कैसे लोगों को जीवन में कार्य करता है। आज सचमुच में पौलुस प्रेरित का यह कथन कि मसीह सु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं, अर्थात वह यह कहना चाहता है कि हम या कोई भी नहीं कह सकते हैं मैं तो इतना पापी हो मैं कैसे बच सकता हो या मेरे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं। प्रियो, बाइबल के ये वचन ये प्रकट करते हैं कि मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया और मेरे पापों के लिए वह क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया, वचन कहता है वह निश्चय उद्धार पाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी या अपराधी क्यों ना हो। इससे ही प्रिय यहां पर यह वचन इसी बात को प्रकट करता है, इसी बात को प्रकट करता है वो परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है, जिस सृष्टि को बनाया, जो सृष्टि से पहले से विद्यमान है और वह अनंत काल तक का परमेश्वर है, सनातन का वो राजा है, वह इस बात को कहता है कि जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा कि उसने क्रूस पर मेरे पापों के लिए मरा और फिर वह जी उठा, वह निश्चय ही उद्धार पाएगा। वचन कहता है कि उधार के निमित्त मुंह से मन से विश्वास किया जाता है और धार्मिकता के निमित्त मुंह से अंगीकार किया जाता है। इससे ही प्रियो, यह जो उद्धार यीशु मसीह के द्वारा से हमें मिला है वह एक निश्चयता के साथ है। आज सच में जब पौलुस के इस वचन को जब हम ध्यान करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उसे इस बात की निश्चयता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका उद्धार कर दिया है और इस बात के लिए वह बिल्कुल निश्चय है।
जैसा 16 पद में वो कहता है कि पर मुझे इस मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। तो उसे इस बात की निश्चयता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका उद्धार कर दिया है और वह एक गवाही के रूप में वो देना चाहता है और देता है कि जो लोग भी विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, वो अनंत जीवन के भागी बनेंगे। प्रियो, निश्चय ही हम लोग जानते हैं कि जब मनुष्य पाप में गिरा तो मृत्यु आई। वचन बताता है कि पाप के कारण मृत्यु इस जगत में आई और मृत्यु जो है सब मनुष्यों में फैल गई, सब मनुष्यों में, सारे जगत के लोगों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। प्रियो, निश्चय ही परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया और व्यवस्था से क्या होती है, पाप की पहचान होती है, व्यवस्था से पाप की पहचान होती है। अर्थात जो पाप मनुष्य के द्वारा मन वचन कर्म से किए जाते हैं और जिसे व्यवस्था, या हम कहेंगे 10 कमांडमेंट्स, उसका जो जिस्ट में है, जो सार है, जो इस बात को प्रकट कर देता है, एक ऐने की तरह दिखा देता है। निश्चय ही व्यवस्था मनुष्य को बचा तो नहीं सकती, लेकिन व्यवस्था जो है वह उसे पाप की पहचान करा देती है और मनुष्य के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह उद्धारकर्ता के पास आए, उस बचाने वाले के पास आए। और वह उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसके विषय यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है कि जिसने पापी को उद्धार करने के लिए वह जगत में आया और हमारे या सारे जगत के पापों के लिए उसने क्रूस पर अपना प्राण दिया, क्रूस पर अपना लहू बहाया। निश्चय प्रियो, आज 10 आज्ञाएं आज हमें बताते हैं कि हमारी क्या कमजोरी है, हम कहां चूक रहे हैं। वचन कहता है एक में भी हम चूक जाते हैं तो सब में चूक गए। और हम इस बात को जानते हैं प्रियो कि मन वचन और कर्म के द्वारा कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चूक जाता है। कामों से नहीं भी करता है पाप तो वह बोलकर करता है, बोलकर नहीं भी करता है तो सोचकर तो अवश्य ही वो करता है। और इसलिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत को पुराने नियम से ही, ओल्ड टेस्टामेंट से ही बताया गया कि उद्धारकर्ता आएगा जो कि हमें बचाएगा। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा हम पाप को तो जान लेते हैं लेकिन हम महसूस करते हैं कि इस पाप से बचाने वाले की आवश्यकता है और वह बचाने वाला यीशु मसीह है, जो हमें पाप से छुड़ाता है, जो हमें मृत्यु से बचाता है, जो हमें शैतान के बंधन से आजाद करता है। और वह कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम निश्चय स्वतंत्र हो जाओगे। प्रियो, सत्य के विषय वह कहता है कि मैं ही वो मार्ग हूं, मैं ही वो सत्य हूं, मैं ही वो जीवन हूं। निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह प्रियो हम सबों को बचाने के लिए आया, क्योंकि वह जानता है कि मनुष्य दुर्बल है, वो पाप में दुर्बल है और इसलिए वह स्वयं हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमारे पापों का जो दंड था उसे उसने स्वयं उठाया। और आज हम उस पर विश्वास करने के द्वारा उस उद्धार को जो उसने हमारे लिए कमाया है हम भागी बन जाते हैं। इससे ही परमेश्वर दया करे कि हम सभी उस उद्धार को अपने जीवन में अधिकाय से ग्रहण करें, उस उद्धार की निश्चयता को हम अनुभव करें, जिस तरह पौलुस प्रेरित बड़े
डंके के चोट के साथ गवाही देता है, हम भी डंके के चोट के साथ गवाही दे कि मेरा जीवन पहले ऐसा था लेकिन प्रभु ने मुझे बदल दिया है, मैं एक नया इंसान हूं। आज जो भी प्रिय परमेश्वर का कार्य है उसे हम वास्तविकता के साथ अपने जीवन में अनुभव करते हुए हम आगे बढ़े और प्रभु के हम सच्चे गवाह ठहरे। आज पौलुस प्रेरित की गवाही को हम पढ़ते हैं, परंतु आज हम और आप प्रभु के जीवित गवाह इस संसार में है। आज हमें और आपको प्रभु की गवाही इस संसार में प्रकट करना है और जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, चुना है। चाहे हम कितने बड़े पापी रहे लेकिन प्रभु का क्रूस का बलिदान हमें क्षमा के घोषणा करता है, हमारे लिए अनुग्रह को लाता है कि जब हम दीनताई के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं और हम कबूल कर लेते हैं कि प्रभु हमने गुनाह किया, हमने तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध हमने पाप किया है, हमें क्षमा कर, अपने लहू से हमें धो, हमें शुद्ध कर। जब हम बड़े विश्वास के साथ बड़े दीनता के साथ आते हैं निश्चय ही प्रिय वचन कहता है कि पापों के क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान हो जाता है। निश्चय ही उद्धार का ज्ञान प्रिय पापों के क्षमा के साथ कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है कि जहां पापों की क्षमा हमें मिलती है उद्धार का ज्ञान भी साथ साथ में आ जाता है। जैसे पौलुस प्रेरित उस उद्धार के अनुभव के साथ बड़े दृढ़ता के साथ कह सकता है, आज हम भी कह सकते हैं। परमेश्वर निश्चित रूप से हर एक को अपनी आत्मा से चलाए और अपने वचन के प्रकाश में हर एक को लिए चले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हम सब को अपनी अनुग्रह अपनी आशीष बहुतायत से दी है। तेरा वचन जीवित है और तेरा वचन हमसे बातें करता है और हमें वो रास्ता दिखाता है जो जीवन की ओर ले चलता है, जो अनंत जीवन की निश्चयता की ओर हमें अगुवाई करता है। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही प्रभु अपने वचन की आशीष हरे को दे, तेरा वचन एक एक सुनने वालों में कार्य करे, गुणकारी हो और फलदायी हो, 30 गुना 60 गुना 100 गुना तक फलदायी होने पाए। हम तेरे हाथों में सारी बातों को सौंपते धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, उसका उत्तर देने वाले परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, कृष्ण यीशु हमारे के मन अंतःकरण की रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन। आइए हम आराधना का तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 182। ईश्वर ने दया मुझ पर किन्हा कि जिसके योग्य मैं न रहा, आश्चर्य की बात मैं यही गिना, मैं दया नहीं खोजता था, अब मुझे हुआ यह निश्चय कि ईश्वर अत्यंत कृपामय।
मंडली खड़ी हो जाए। ईश्वर के पवित्र वचन को स्मरण करें और ईश्वर को धन्यवाद दें विभिन्न दया अनुग्रह प्रेम के लिए, संकट मुसीबतों से बचाने के लिए और कई प्रकार के आशीषों के लिए। प्रभु का वचन स्मरण करें, भजन संहिता 103 एक से पांच पद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेसन काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लूथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तिया प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बारी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे प्रभु, जबकि इस साल महामारी के प्रकोप के कारण बहुत सारे प्रियजन हमसे बिछुड़ गए, इस दुनिया से विदा हो गए, हम शोकित और व्याकुल और चिंतित थे, प्रभु ऐसी घड़ी में तेरी ओर अपनी आंखें उठा करके शांति और आनंद की आशीष मांगे। निश्चय तू अपने वचन के अनुसार कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जो शांति जगत नहीं दे सकता, यही शांति सबों के जीवन को दिया। प्रभु इस घड़ी भी जो कोई लोग हॉस्पिटल में हैं, दुख दर्द पीड़ा में हैं, सबों के संग साथ हो, सबों को सुसमय पर
चंगाई दे, भले चंगे निरोग पाए जाकर तेरी ही महिमा करते रहेंगे। पिता ईश्वर, हम उन प्रियजनों को भी याद करते हैं जिनके परिवारों में बच्चों का दान दिया और बच्चों के आशीष को दे करके बढ़ाया, जिनको का पवित्र बपतिस्मा भी हुआ। प्रभु, सारे आशीषों के लिए तुझे ही महिमा और धन्यवाद देते हैं। प्रभु, यह भी प्रार्थना करते हैं जन्मदिन की आशीष और खुशी में बहुत सारे परिवार प्रभु तेरे नाम को सराहते हैं और धन्यवाद देते हैं। कई परिवार में वैवाहिक जीवन के सालगिरह को मना पाते हैं, उनको भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उन्हें भी तू संभाल और आशीषित जीवन दे। आज के आराधना के क्रम में हमने अपने मुट्ठियों को खोल करके मुट्ठी दान, घड़ा दान, विशेष दान, डेवलपमेंट फंड के दान, पारिवारिक विशेष प्रार्थना के दान, हर प्रकार के गुप्त दान, सभी प्रकार के दान जो हम सब तेरे हाथ में समर्पित किए हैं प्रभु, उससे ग्रहण कर और उसके देने हारों को बड़ी आशीष दे। पिता ईश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्जवला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रेक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।